तो दोस्तों इसलिए हम बात करने वाले जुबिलेंट फूडवर्क्स कंपनी के बारे में। जुबिलेंट फूडवर्क्स के अंदर आज मैं यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली ऑलमोस्ट 1% के अराउंड की एक अच्छी खासी यहाँ पर जो है वो गिरावट, और उसी के साथ काउंटर के अंदर आज अगेन हमें यहाँ पर जो है वो एक शार्प नेगेटिव क्लोजिंग भी देखने को मिल चुकी है। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए जुबिलेंट फूडवर्क्स की, तो इस काउंटर के अंदर भी यहाँ पर जो है वो राइट नाउ हमें क्या चलता हुआ देखने को मिल रहा है, जो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो है वही सिनेरियो जुबिलेंट फूडवर्क का भी है। मार्केट भी टॉप लेवल से रिजेक्ट होकर धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा था, एंड जुबिलेंट फूडवर्क के अंदर भी यहाँ पर जो है वो हमें रिजेक्शन के साथ धीरे धीरे करके गिरावट ही चलती हुई देखने को मिल रही है। तो रेजिस्टेंस की बात कर ले तो स्टॉक ने 700 के रेट पे अपना एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फॉर्म किया है। सपोर्ट की बात कर ले तो 675 से लेकर 650 की रेंज में जुबिलेंट फूडवर्क का एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। 650 के नीचे निकल जाता है तो स्टॉक यहाँ पर जो है वो हो जाएगा बियरिश, और यहाँ पर फिर फर्दर सपोर्ट्स आपको लोअर साइड पे टेस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। 700 के ऊपर अगर निकल जाता है तो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 750 और उसके बाद 800 के भी रेजिस्टेंस टेस्ट होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं।